दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लगवाई वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित एवं कारगर। जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश कुमार कोष्टा ने जिला चिकित्सालय गुना पहुंचकर कोविड-19 की वैक्सीन का प्रथम डोज लगवाया। वैक्सीन लगवाने के बाद कोष्टा ने कहा कि भारत में निर्मित वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित एवं कारगर है। जो व्यक्ति वैक्सीनेशन के लिए पात्र है वे बिना किसी भय या संकोच के वैक्सीन लगवाए तथा भारत को कोरोना मुक्त करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करे। नीलगाय के मांस का तस्करी करने वाले ऑटो को वन विभाग की टीम द्वारा पकड़ा गया। 40 से 50 किलो नील गाय के मांस को किया गया जब्त। वन विभाग की टीम ने छिपोन क्षेत्र से मुखबिर की सूचना पर पकड़ा एक ऑटो जिसमें लगभग 40 से 50 किलो नील गाय का मांस किया जब्त। आरोपी गुना हड्डी मिल का बताया जा रहा है। मामले में पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर ऑटो को जब्त किया गया है। वहीं आरोपियों को जेल भेज कर नील गाय के मांस को किया नष्ट। कैंट थाना क्षेत्र के मोहालपुर गांव में दबंगों ने फिर दलितों पर बरपाया कहर। खेत पर कब्जा और परिवार को निकाला घर से बाहर। देर रात कैंट थाने में पहुंचकर परिवार के 7 से अधिक लोगों ने लगाई न्याय की गुहार। थाने में सुनवाई न होने पर गुना के हनुमान चौराहे पर किया धरना प्रदर्शन। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाई द्वारा लगवाया गया कोरोना का टीका। कोरोना का टीकाकरण का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में बढ़ चढ़ कर लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 60 साल से ऊपर के सभी को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाई द्वारा भी टीका लगवाया गया। बीमार परेशान मुंह से न बोलने वाली महिला को कैंट थाना वाहन द्वारा पहुंचाया गया जिला अस्पताल। गुना कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान टेकरी बाईपास के पास मालवा रसोई ढाबा के पास एक परेशान बीमार महिला थी, जिस पर से ढाबा मालिक द्वारा कैंट थाने में कॉल किया गया, जहां से कैंट थाना वाहन FRV प्रधान आरक्षक हरिओम किरार एवं पायलट श्याम चंद्र शर्मा द्वारा उसे जिला अस्पताल पहुँचाया गया। संभवतः महिला किसी और जिले की लगती है। ग्राम गढ़ा में चल रही श्रीमद भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु झूमते गाते नजर आए। ग्राम गढ़ा में चल रही श्रीमद भागवत कथा में चौथे दिन कथावाचक बाल साध्वी शिवानी शर्मा देवी ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई। पब्लिक में प्रचार प्रसार न होने के कारण शिविर में रह गई कुर्सी खाली। म्याना में राजस्व विभाग की समस्याओं को लेकर एक शिविर का आयोजन रखा गया था। म्याना में किसानों ने बैंक में किया हंगामा। म्याना में 50 से 60 किसानों ने इकट्ठा होकर हंगामा कर दिया। हंगामा करने का कारण 2019 की फसल का बीमा न मिलने पर किसानों ने भारतीय स्टेट बैंक में हंगामा किया। पाल समाज द्वारा नवीन टेकरी रोड के नाम की गई स्वीकृति। सोशल मीडिया पर चल रही टिप्पणियों का किया विरोध। गुना जिले के राधुगढ़ तहसील में भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला गुना के तत्वधान में एवं जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें संजय सागर कॉलोनी में बना अंबेडकर भवन को खाली करवाए जाने की मांग रखी गई। विकास योजना 2035 आपत्ति सुझाव की जनसुनवाई हेतु बैठक होगी कल 5 मार्च को। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार गुना विकास योजना 2035 सुझाव की जनसुनवाई हेतु बैठक जो पूर्व में 3 मार्च को होना थी के स्थान पर 5 मार्च को दोपहर 12 बजे आयोजित की जाएगी। समस्या निवारण हेतु मावन में विशेष शिविर का कल होगा आयोजन। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार गुना तहसील के अंतर्गत CM हेल्पलाइन PM किसान CM किसान अतिक्रमण एवं राजस्व विभाग की अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु मावन में 5 मार्च को विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाएगा।
बिजली कर्मियों से मारपीट पर होगी FIR। बिजली के दौरान कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ड्यूटी के दौरान होने वाली मारपीट दुष्व्यवहार की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने तुरंत FIR कराने के निर्देश दिए हैं। कंपनी ने कहा है कि प्राय देखने में आ रहा है कि बिजली कर्मियों पर ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट दुष्व्यवहार किया जा रहा है। ऐसी घटनाएं विद्युत अधिकारी कर्मचारियों का मनोबल गिराती हैं, इसलिए कंपनी के कार्यक्षेत्र में कार्य सभी नियंत्रणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मैदानी अधिकारी कर्मचारियों के साथ होने वाले दुष्व्यवहार या मारपीट की घटनाओं को पूरी गंभीरता से लिया जाए। कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में कल बैठक का होगा आयोजन। कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में विभिन्न संगठन एवं पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में 5 मार्च को 5 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत पोर्टल एंट्री से वंचित रहे किसानों की पुनः एंट्री एवं प्रीमियम राशि बीमा कंपनी को भुगतान का कार्य बैंकों द्वारा दस्तक। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास अशोक कुमार उपाध्याय ने बताया कि खरीफ 2019 की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत पोर्टल एंट्री से वंचित रहे किसानों की पुनः एंट्री एवं प्रीमियम राशि बीमा कंपनी को भुगतान का कार्य बैंकों द्वारा 1 मार्च से 10 मार्च 2021 तक किया जाना है। भाजपा नेता चेतन भार्गव रहे आरोन दौरे पर। भाजपा प्रदेश स्तरीय नेता चेतन भार्गव आरोन नगर के दौरे पर रहे, जहां नगर के कार्यकर्ताओं द्वारा श्री भार्गव का जगह जगह स्वागत किया गया। इसके बाद चेतन भार्गव ने 2 निजी दुकानों का फीता काटकर उनका शुभारंभ किया। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाई द्वारा लगवाया गया कोरोना का टीका। कोरोना का टीकाकरण का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में बढ़ चढ़ कर लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 60 साल से ऊपर के सभी को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाई द्वारा भी टीका लगवाया गया। जनता संदेश देना चाहेंगे सभी जनता से रिक्वेस्ट है की इसको लगवाएं, बहुत आवश्यक है। इसके बाद दूसरी डोज तब आप सर क्या मैसेज कर रहे हैं, पहला वैक्सीन लगाया आपको? ठीक है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। मैं तो समझ रहा था कि मोदी की तरह काफ़ी देर तक बैठना पड़ेगा, फोटो खिंचाने के लिए बैठे रहे। ग्रामगढ़ा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु झूमते गाते नजर आए। ग्रामगढ़ा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में चौथे दिन कथावाचक बाल साध्वी शिवानी शर्मा देवी ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने गजेंद्र मोक्ष की कथा को विस्तार से समझाते हुए कहा कि गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत्र के पहले श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रभु का स्मरण भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि गजेंद्र ने जो प्रार्थना पिछले जन्म में सीखी उसी के कारण उसका कल्याण हुआ। वे भी जब उसका देह अहंकार मिट गया, जो मनुष्य अहंकार रहित हो जाता है उसे भगवत प्राप्ति होती है। बामन अवतार की कथा सुनाते हुए कहा कि जब मानव दान में पूर्णतः आ जाती है तब भगवान स्वयं याचक बनकर आते हैं और चरण कमल से कल्याण करते हैं, द्वारपाल बनकर उसकी रक्षा करते हैं। कथा में भक्त पहले दिन से ही आनंद में डूबकर भजनों में झूमते हुए नजर आए। अपने अपने स्थान पर विराजमान अपने भगवान को दर्शन करने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त होगा। शांति बनाए रखें।
पब्लिक में प्रचार प्रसार न होने के कारण शिविर में रह गई कुर्सी खाली। म्याना में राजस्व विभाग की समस्याओं को लेकर एक शिविर का आयोजन रखा गया था, जिसमें किसान अपनी समस्या रख सके और अन्य समस्याओं को सभी निराकरण हो सके। शिविर में चौराहे पर जल समस्या एवं सीएम हेल्पलाइन की समस्याओं का निराकरण किया गया। फसल कटाई और पब्लिक सिटी कम होने के कारण शिविर में कम ही लोग आ सके। जो शिविर रखा गया है ये किस प्रकार क्या है सर इसका? ये शिविर आज हमने मुख्यतः राजस्व विभाग की समस्याओं को लेकर रखा है, साथ में अन्य समस्याएं जो है जनता की वो भी आगे बता सकते हैं, जैसे कि अभी पेयजल के बारे में अवगत कराएं किसी को मिले तो मुख्यतः राजस्व का है। सी एम हेल्पलाइन द्वारा अगर निराकरण है सहमति से जनता को है, लेकिन जनता की तरफ से भी ज़्यादा रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आया है क्योंकि फसल कटाई का सीजन चल रहा है तो जनता कम आई है अभी, तो दोबारा लगाएंगे इसको, दोबारा देखेंगे। ठीक है। म्याना में किसानों ने बैंक में किया हंगामा। म्याना में 50 से 60 किसानों ने इकट्ठा होकर हंगामा कर दिया। हंगामा करने का कारण 2019 की फसल का बीमा न मिलने पर किसानों ने भारतीय स्टेट बैंक में हंगामा किया। किसानों का कहना है कि 1 मार्च से 10 मार्च तक पोर्टल की साइट खोल दी गई है, जिसमें जिस किसी किसान को फसल बीमा नहीं मिला उसकी जानकारी दोबारा से अपलोड की जा रही है। उन्होंने बैंक में आकर पूछा, बैंक वालों ने बोला कि तुम्हारी जानकारी पहले से अपलोड है पर बीमा कंपनी ने पोर्टल की जानकारी को एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही रिजेक्ट किया। किसानों का कहना है कि जब 2019 से अभी तक पोर्टल जानकारी का बीमा कंपनी ने कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे। इसमें बैंक के ही कर्मचारियों ने बताया कि हमसे पहले ही जो इस बैंक में कर्मचारी थे उनसे कोई पोर्टल पर जानकारी में गलती हो गई होगी, पर इस गलती के बारे में ब्रांच मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सत्येंद्र कुमार सिंह नाम से खाता है मेरा और पब्लिश धाकड़ के नाम से खाता आ रहा है उसमें बैंक में दिखाने में जी बीमा कंपनी में। अच्छा, वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। डुंगासरा का खाता नहीं आ रहा, जमीन नहीं आ रही। जमीन कहाँ बता रही? जमीन बर्मन की जी। हुए हैं इनका क्या मामला है सर? फसल बीमा वाला मामला है। तो फसल बीमा की गलती सर कहाँ से हुई है इनकी? फसल बीमा के लिए आई है, AIC कंपनी से भी बात की है, उनसे चर्चा हो रही है। पोर्टल का उन्होंने बताया कि पोर्टल पे एक्सेप्ट होना है और या रिजेक्ट होना है, जो भी है उसका जो भी निर्णय कब तक आएगा तो उस विषय में जो चर्चा जारी है और उच्च अधिकारियों से और बात की जाएगी इस विषय में। अच्छा, तो अभी आपने कहाँ कहाँ बात कर ली सर? अभी तो बीमा कंपनी से बात की है। अच्छा, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एक नंबर दिया था, मिस्टर जोशी थे कोई और एक कोई राकेश सर है, ऐसे दो तीन उन्होंने बताया कि पोर्टल पे एक्सेप्ट हो जाएगा करके ऐसा बोला है। सर कुछ किसानों का कहना है कि उनकी गलत जानकारी गई है सर, उनकी ज़मीन कहीं दर्शाई जा रही है कोई से ज़िले में और वो रहते कोई से ज़िले में। जब तक वो रिजेक्शन नहीं आएगा तब तक तो पता नहीं चल पाएगा ना सर, इस तरह का तो हमने बताया नहीं उन्होंने। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उनका क्या होगा सर? अभी जब तक रिजेक्ट नहीं होगा तब तक हम कैसे जवाब दे पाएंगे, वो ये भविष्य वाले है ना। तो इनके लिए हो जाएगा मतलब 10 तारीख तक का है? हाँ, कंपनी ने तो बोला है कि एक्सेप्ट होगा, हमारा पैसा कंपनी को पहुंच चुका है, पोर्टल पे जो है हमारे तरफ से जो भी होना है वो पूरा हो चुका है। पर किसान बता रहे हैं सर 2019 का मामला है इनका, 19 का ही तो है मामला, दो बार पोर्टल खुल चुका है तो सर अब तो 21 चल रही है जी। सही बात। और इसमें सर आपके ही कुछ अधिकारियों ने बताया कि हाँ पुराने वाले जो बैठे हुए थे बैंक में उनकी कुछ गलतियाँ हैं, जिसकी मुझे जानकारी नहीं सर। नहीं सर, अभी आपने आप वो पहले वाली क्या प्रॉब्लम पता नहीं है। ठीक है सर, ये है कि अभी पोर्टल में डाला जा रहा है, बात हो रही है, बात चल रही है, तो जो भी होगा अच्छा ही होगा उम्मीद करेंगे सर। सर आपका नाम? मेरा मथुरा प्रसाद सूरवंशी, ब्रांच म्याना।
पाल समाज द्वारा नवीन टेकरी रोड के नाम की गई स्वीकृति, सोशल मीडिया पर चल रही टिप्पणियों का किया विरोध। गुना पाल समाज द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि नवीन टेकरी रोड का जो नामकरण हुआ है उसका पाल समाज स्वीकृत करता है। सोशल मीडिया पर नामकरण के विरोध में राजनीतिक षड्यंत्र बताया जा रहा है, कहा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें। उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया द्वारा उक्त मार्ग के संबंध में ये तथ्य प्रसारित हो रहा है कि उक्त मार्ग देवी अहिल्या के नाम से था, को हटाकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी साकर सिंह सिसोदिया के नाम पर कर दिया गया। ये असत्य एवं भ्रामक है। पूर्व में ऐसा कोई नामांकन संबंधित प्रस्ताव नगर पालिक परिषद गुना के समक्ष में नहीं आया। जब भी कोई प्रस्ताव नगर पालिक परिषद के सम्मुख आएंगे तो उन पर नियम अनुसार विचार कर निर्णय लिए जाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय सागर सिंह सिसोदिया जिले के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इस आशय की पट्टिका जिला जेल में आज भी लगी हुई है। मैं प्रदीप कुमार बघेल, जिला अध्यक्ष पाल महासभा गुना। मैं आज मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी समाज के इस रोड के नाम से झूठी अफवाहें और फालतू की फैलाई जा रही हैं, ये हमारी माँ अहिल्याबाई होलकर के नाम से रोड नहीं था, वहाँ पर चौराया था। और मेरी माननीय मंत्री जी से बात हो गई है तो जिस चौराहे का नाम अहिल्याबाई होलकर था वो यथावत रहेगा, और जो रोड का नाम माननीय सागर सिंह सिसोदिया जी के नाम से हमारे सिंधिया जी एवं माननीय सिसोदिया जी ने किया है वो बिल्कुल सही किया है। इसको हमारी समाज कतई गलत ना ले और ना ही ये गलत किया है। उसमें चौराहे का मेरी बात हो गई है सिसोदिया जी से, वो हमारी प्रतिमा लगाकर और हमारे चौराहे का नामकरण करके और वो जिस दिन आएंगे तो वे घोषणा करके हमको उसके कागज कंप्लीट करवा के दिवा दिए जाएंगे। ऐसा बताया जाए तो दानदाताओं के द्वारा वहाँ पे उस दिन क्या उधम वगैरह किया था, तो कौन लोग थे वो? जो दानदाताओं के द्वारा कोई भी किसी प्रकार का आतंक नहीं मचाया गया, ये तो किसी राजनीतिक षड्यंत्र के कारण राजनीतिक लोगों ने किसी बच्चों को खड़े करके ये सारा षड्यंत्र रचा था। ये तो घोषणा जिसने करी थी ये षड्यंत्र उसने ही रचा है, ना कि हमारे पास समझ। सोनाली ए टू जेड मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप, पता PHE के सामने सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। हमारे यहाँ सभी कंपनी के ओप्पो, वीवो, सैमसंग, MI, रियलमी, रेडमी, आईटेल, टेक्नो, लावा, इंटेक्स, नोकिया मोबाइल एवं स्मार्ट वॉच उपलब्ध हैं। एंड वीडियोकॉन, कूलोन, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, रियलमी, रेडमी आदि सभी कंपनी की 24 इंच से लेकर 55 इंच तक स्मार्ट TV उपलब्ध है। सभी प्रकार के मोबाइल बा LED 0% ब्याज दर, न्यूनतम डाउन पेमेंट पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ एंड्रॉइड मोबाइल 4,500 रुपए से स्टार्ट है। नॉट वन प्लस एंड आईफोन मोबाइल एंड स्मार्ट वॉच ऑर्डर पर ऑनलाइन कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। सभी कंपनी के चार्जर, डाटा केबल, पावर बैंक वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के ईयरफोन्स उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के ब्लूटूथ, नेक बैंड, ईयरबड्स वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के मोबाइल की बैटरीज वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल के बैक कवर उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के मोबाइल के बैक ग्लास गार्ड, कैमरा ग्लास गार्ड एवं स्क्रीन गार्ड, नॉर्मल ग्लास, मैट ग्लास, गोरिल्ला ग्लास, 2D ग्लास से लेकर 11D तक संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग भी की जाती है। 2 घंटे में मोबाइल का फोल्डर बार टच चेंज की जाती है। पता PHE के सामने सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। संपर्क करें मोबाइल 9589143408। गुना की जनता के लिए सोनाली ग्रुप का तोहफा, अगर आपका मोबाइल खराब हो गया है, अगर आप शॉप पर नहीं आ सकते तो आप हमें मोबाइल नंबर 6265413639 पर कॉल करें। आपका मोबाइल घर से ले लिया जाएगा व रिपेयर कर आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। जगदीश कॉलोनी के सामने पार्ट रोड। हमारे यहाँ लेदर जैकेट, सादा जैकेट व सभी वैरायटी की जैकेट उपलब्ध है। गर्म कपड़ों की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध है। ट्रिपल होजरी सेल, जहाँ आप पाएंगे बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला।
जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट। इसके साथ ही लेडीज कुर्ते, लेगिंग, ड्रेसेस। हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स। एक बार सेवा का मौका जरूर दें, साथ ही सर्दियों का धमाका। त्रिपुर होजरी सेल। इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते। बच्चों के लिए भी वूलन में कई वैरायटी। जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर, त्रिपुर होजरी सेल। हमारा पता त्रिपुर होजरी सेल, जगदीश कॉलोनी के सामने, हार्ट रोड, गुना। जगदीश कॉलोनी के सामने, हार्ट रोड, गुना।